जीएन भारत जन जन तक। तालझारी थाना क्षेत्र के पकड़िया पहाड़ में अज्ञात अपराधियों ने पहाड़िया समुदाय के पति पत्नी की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक पकड़िया पहाड़ निवासी सुरजा पहाड़िया और उनकी पत्नी उसे पहाड़ प्रतिदिन की तरह शुक्रवार शाम को उक्त दोनों पति पत्नी पहाड़ पर लगी बजरा मकई और बरबटी की फसल की रखवाली करने गया था और सुबह उन दोनों का शव मिला। जब देर सुबह दोनों अपने कुरुआ से वापस नहीं लौटे तो प्रधान के साथ उसे खोजने बेटा और बेटी गई। चारों ओर खोजने के बाद जब कुछ पता नहीं चला तो मकई के बीच जंगल में गए तो देखा कि उन दोनों की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। प्रधान जी चाहिए भैया, नहीं बुला क्या दिक्कत होगा जी। जब ग्रामीण पास जाकर देखा तो बेरहमी से सर पर पत्थर से कूच कर दोनों की हत्या कर दी गई थी। इधर दोनों को मृत अवस्था में देख परिजनों में कोहराम मच गया है। वहीं पकड़िया पहाड़ के प्रधान मैसा पहाड़िया द्वारा घटना की जानकारी तालझारी थाना को दी गई। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि आखिर कौन दोनों की हत्या कर सकता है। सभी ग्रामीणों में तरह तरह की सवाल हैं। सभी ग्रामीण डरे हुए हैं, कहते हैं कि आज इसकी हत्या हुई है कल हमारी भी हो सकती है। इधर घटना की सूचना मिलते ही राजमहल SDOP अरविंद कुमार सिंह, इंस्पेक्टर राजेश कुमार, SI राकेश कुमार अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। वहीं दोनों पति पत्नी अपने पीछे एक बेटा और बेटी को छोड़ गए हैं। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना को लेकर गांव में मातम पसरा हुआ है। परिजनों को रोते देख गांव के सभी लोगों की आंखें आंसू से भर गई। इधर घटना को लेकर मृतक का बेटा बुधनाथ पहाड़िया के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। वहीं राजमहल SDOP अरविंद कुमार सिंह ने कहा है कि जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तलझारी थाना अंतर्गत पकड़िया पहाड़ है, वहाँ पर पहाड़िया लोग निवास करते हैं। सुरजा पहाड़िया जो अपना बगान का गोदी कर रहा था मक्के की और बाजरा की खेती का, उसमें किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसकी हत्या कर दी गई रात में। सुबह में प्रधान और उसके पुत्र द्वारा खबर किया गया। पुलिस पार्टी आई है, छानबीन कर रही है। उसकी हत्या पत्थर से सर को कुचल कर किया गया है। किसने किया है अभी तक पता नहीं चला है। इस संबंध में आवश्यक छानबीन की जा रही है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।